और जब भ्रष्टाचार पर कानून का चाबुक चलता है तो बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते हैं, उनकी साख, उनका राजनीतिक अस्तित्व सब लॉ के चक्रव्यूह में आ जाता है। सोमवार को आज देश के दो रसूखदार नेताओं के लिए दिन भारी रहा। एक नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके नाम ईडी 10 सम्मन भेज चुकी है, एक बार पूछताछ भी हो चुकी है। आज दिल्ली में उनके आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची, वो नहीं मिले। हालांकि 31 जनवरी को जांच में शामिल होने वाला ईमेल जरूर आया, वो कहां है ईडी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो कई अहम दस्तावेज अधिकारियों के हाथ लगे हैं। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने सेना के कब्जे वाली जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदी थी, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। दूसरा नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का। बिहार में सत्ता का उलटफेर का सामना करने वाले लालू यादव को आज ईडी के 40 सवालों का सामना करना पड़ा। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने आज 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इस दौरान लालू यादव ने कैसे सहानुभूति वाला कार्ड स्वाइप किया, इसका भी आज कुछ तथ्यों और तस्वीरों के जरिए हम विश्लेषण करेंगे। तो पहले बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, क्योंकि इनकी मुश्किलें ज्यादा बड़ी हैं। झारखंड में राजनीतिक फेरबदल वाली चर्चाओं का बाजार भी चरम पर है। वैसे तो हेमंत सोरेन जांच के घेरे में पिछले कई दिनों से हैं, लेकिन 10वें सम्मन के बाद आज सुबह सुबह ईडी के अधिकारी फुल एक्शन में दिखाई दिए। ईडी की एक टीम आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली के शांति निकेतन स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ करने पहुंची, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। ईडी ने लैंड डील स्कैम में 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था। इसी कड़ी में आज टीम पहुंची थी, वहां वो नहीं मिले, लेकिन ईडी को हेमंत सोरेन के ऑफिस से एक ईमेल मिला है कि 31 जनवरी को जांच में हेमंत सोरेन शामिल होंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन शनिवार रात को सम्मन मिलने के बाद ही दिल्ली रवाना हुए थे, जिसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो ये कयासों का दौर है वो अभी भी जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी की तलाशी के दौरान हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर था। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चर्चा के बीच झारखंड में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। रांची में सीएम हाउस के बाहर और बीजेपी दफ्तर और बड़े नेताओं के घर की भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस वालों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन का अगला प्लान क्या है, झारखंड की सत्ता में अब आगे क्या होने वाला है, क्या बिहार की तरह झारखंड में भी अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इन सवालों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सियासी विरोधियों के निशाने पर हैं। यह पूछा जा रहा है कि आखिर वो गलत नहीं है तो ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं। फर्जी जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम आज हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची है। ये साउथ दिल्ली का हेमंत सोरेन का 5/1 शांति निकेतन का घर है और यहां पर ईडी की टीम सुबह पर पहुंची थी। दरअसल सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच राजी के बचरा इलाके में 7 एकड़ जमीन के एक पार्सल के स्वामित्व से जुड़े भूमि घोटाले से संबंधित है। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी CBI इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कदाचार होगा, जहां कानून तोड़ा जाएगा, जहां जनता के हक की लूटमारी होगी, वहां तो कानून पहुंचेगा ना। बहुत ही निचले स्तर तक गिर गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक आदिवासी, एक युवा मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए आप जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां पीछे जाएंगे। आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप झारखंड के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, झारखंडियों के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है और कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ। ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का एक खुलासा किया था।
केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया था। उनके घर से और मोबाइल फोन से कई सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इस मामले में ईडी हेमंत सोरेन के करीबी रहे आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को अब तक 10 सम्मन भेजे जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ एक बार पूछताछ हुई है। ईडी ने 20 जनवरी को सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से करीब 7.5 घंटे पूछताछ की थी। तब एजेंसी ने उनसे सोर्स ऑफ इनकम और आयकर रिटर्न में दिए गए ब्यौरे संबंधित सवाल किए थे। इसके बाद ईडी और भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन सम्मन पर सम्मन भेजने के बावजूद हेमंत सोरेन सामने नहीं आए। और अब बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की, जो लैंड फॉर जॉब यानी जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में सवालों में है। खास बात यह है कि बिहार में सत्ता से बाहर होने के 24 घंटे के भीतर लालू यादव का सवालों से सामना हुआ। आज ईडी की टीम ने लालू यादव से 7 घंटे तक सवाल किए। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना में किसी फिल्म की तरह एक्शन, इमोशन, ड्रामा और हंगामा सब कुछ देखने को मिला। मामला भ्रष्टाचार का है, आरोप जमीन लेकर नौकरी देने का है, लेकिन पटना के ईडी दफ्तर में लालू यादव पहुंचे तो इस दौरान लालू एंड फैमिली ने सहानुभूति से अपनी राजनीतिक बैटरी रिचार्ज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को ईडी के कैंपस में प्रवेश नहीं मिला। आधे घंटे तक ईडी दफ्तर के गेट पर उनकी गाड़ी खड़ी रही। गाड़ी में इंतजार करने के बाद लालू यादव को आखिरकार पैदल ही ईडी कैंपस में दाखिल होना पड़ा। इस बीच ईडी दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता भी जुट गए थे। ईडी की पूछताछ के दौरान लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि मेरे परिवार को ईडी परेशान कर रही है। मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही खाना पहुंचाया, 2 बार दवा भी पहुंचाई। इस दौरान बार बार ईडी के अधिकारियों पर लालू यादव को परेशान करने के आरोप भी लगाए। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई ट्वीट किए, लिखा कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे। एक और ट्वीट रोहिणी ने लिखा कि ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खैर, लालू यादव जो भी सफाई दें, आरजेडी के नेता कुछ भी कहें, लालू परिवार के सदस्य कोई भी दलील दें, कितने भी इमोशनल कार्ड चलें, लेकिन आज का सच तो यही है कि ईडी के सवालों की बौछार लालू परिवार पर हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव घिर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर लालू यादव के राजनीतिक विरोधी एक्टिव हो चुके हैं। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता लगातार भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव के परिवार पर प्रहार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां पर लालू प्रसाद यादव के समर्थक यहां पहुंच गए हैं और लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव के साथ यहां पर पहुंचे हैं। मैं यही कहूंगी कि क्योंकि काफ़ी बीमार हैं, लगभग 1 साल होने जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट हुए हुए, इतने लंबे समय तक वो बैठते भी नहीं हैं, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो अभी कौन उनको लेके जा रहा होगा, कैसे लेके जा रहा होगा। हाँ, जहाँ ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप। विक्टिम दिखाने का क्या मतलब, कि आपने तो किया ही है ना भाई, कि नहीं किया है तो नहीं किया है, तो आप बुला रहे हैं तो हम आज नहीं कल जाएंगे। और ये कौन नहीं जान रहा है कि साहब लालू यादव अस्वस्थ चल रहे हैं। लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना। ईडी का संबंध नहीं है साहब, ये बीजेपी का संबंध है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। तासिर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो जो मजबूत ताकतें हैं
उनको ईडी आईटी सीबीआई करते हो। वहाँ ईडी गई है क्या? हम लोग से पूछना चाहते हैं कि जब आप घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कानून तोड़ेंगे, तो वहाँ तो कानून पहुँचेगी। ये स्वतंत्र इकाई है, काम करती है। तो पटना में लालू यादव से सवाल जवाब, लालू परिवार के सहानुभूति कार्ड के बीच सियासत भी देखने को मिली। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में पोस्टर लगाए जिसमें लिखा था झुकेगा नहीं। ये लोकप्रिय फिल्म पुष्पा के एक डायलॉग की तर्ज पर लिखा गया था। राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है झुकेगा नहीं। देखिए यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं कि झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी एक तरफ झुकेगा नहीं और दूसरी तरफ अपने कामों की फहरिस्त, जो एक ब्रांडिंग हो रही है, जिस तरीके से अखबारों में विज्ञापन दिया गया, जिस वक्त नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन में लगे हुए थे उसी दिन तेजस्वी यादव ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और अपने काम की फहरिस्त दिलाई और वो फहरिस्त यहाँ प्रदेश कार्यालय में भी टंगा है। जो 15-17 महीने में तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे, जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के विभाग थे उसमें जो काम हुआ, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, इसे न कोई भुला सकता न कोई मिटा सकता। लालू पर आरोपों का यह मामला यहां तक बढ़ चुका है कि सिर्फ 20 सेकंड में आपको यह भी बता दें कि यह घोटाला क्या है और कैसे लालू यादव इसमें फंस चुके हैं। यह मामला साल 2004-2009 का है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए घोटाला हुआ था। आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। प्रॉपर्टी लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर हुई थी। मुंबई, कोलकाता, जबलपुर जोन में नौकरियां दी गई थी। इसके अलावा जयपुर, हाजीपुर जोन में भी नौकरियां दी गई थी। लालू के रेल मंत्री रहते ये नौकरियां जमीन के बदले दी गई। 1,00,000 वर्ग फुट जमीन सिर्फ 26,00,000 रुपए में हासिल की गई। ये सारी जमीन लालू परिवार ने बिहार में हासिल की। उस वक्त जमीन का बाजार भाव 4,39,00,000 रुपए था। सोचिए, जिस जमीन का बाजार भाव 2004-2009 के बीच करीब 4,39,00,000 था, वो सिर्फ 26,00,000 में ली गई। अब सवाल पूछने पर राजनीतिक चिंगारियां निकल रही।